बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू चैनल, वेलकम बैक टू नेक्स्ट जेन टेक ब्लॉग एंड आई एम योर होस्ट मोहम्मद उसामा शेरपा। आज हम आपके लिए जो लैपटॉप का रिव्यू लेकर आए हैं वो आप ये समझ सकते हैं कि 10th जनरेशन के लैपटॉप में चीपेस्ट प्राइस के अंदर आपको लैपटॉप का रिव्यू लेकर आए। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं जल्दी जल्दी और आपको बताते हैं लैपटॉप के बारे में। आप देख सकते हैं डेल इंस्पायरॉन सीरीज़ का लैपटॉप है, 3501 इसका मॉडल नंबर है और 15.6 इंच की मशीन है। बिल्ड क्वालिटी के हवाले से इसकी बात करें तो बिल्ड क्वालिटी आप देखेंगे इसका टोटली जो है वो प्लास्टिक है और मैट कलर में ग्रे कलर का जो इसका टॉप है जिसमें डेल की जो है ब्रांडिंग हुई हुई है। बैक साइड की अगर हम बात करें तो बैक साइड भी इसका टोटली प्लास्टिक है और इंस्पायरॉन की आप देखेंगे तो इंस्पायरॉन की ब्रांडिंग हुई हुई है और टैग्स वगैरह हैं, प्लस उसके अलावा हीट ट्रांसमिट के लिए डक दी हुई है और ऑडियो के आउटपुट के लिए भी इन्होंने डक दी हुई है और स्क्रूज वगैरह है। पोर्ट्स के हवाले से अगर हम बात करें लेफ्ट साइड के ऊपर तो लेफ्ट साइड की अगर पोर्ट देखेंगे तो इसमें चार्जिंग पोर्ट है, फुल साइज HDMI पोर्ट है, ईथरनेट पोर्ट है और दो USB पोर्ट है और प्लस इसके अलावा 3mm हेडफोन जैक की पोर्ट भी है। अगर राइट साइड की अगर हम पोर्ट की बात करें तो राइट साइड पर देखेंगे SD कार्ड की स्लॉट है, उसके अलावा USB पोर्ट है और लॉकिंग सिस्टम है और इसके अलावा सिंपल कोई पोर्ट नहीं है। 10th जनरेशन की मशीन है तो DVD ROM भी नहीं है इसके अंदर। बैक साइड पर आप देखेंगे तो बैक साइड के ऊपर भी SSD की पोर्ट नहीं है, जस्ट हीट ट्रांसमिट के लिए ढक दी हुई है। अगर इंटरनल की हम बात करें कीबोर्ड स्क्रीन की, 15.6 इंच नैरो मॉडल बॉर्डर के अंदर जो है वो इसका आप देखेंगे डिस्प्ले है और प्लस साथ साथ जो है मैट डिस्प्ले है इसका और प्लस अगर बॉटम की बात करें तो बॉटम इसका आप देखेंगे तो वो भी टोटली मैट है। इंटेल कोर i3 10th जनरेशन के प्रोसेसर की ब्रांडिंग हुई हुई है। न्यूमेरिक पैड के साथ ये कीबोर्ड है और इन बिल्ट इन ट्रैक पैड के अंदर ही बटन इसके मौजूद है राइट एंड लेफ्ट क्लिक के। और यहाँ पर देखेंगे तो डेल इंस्पायरॉन 15 3000 इसके मॉडल नंबर, प्लस उसके अलावा 15.6 इंच HD डिस्प्ले और उसके अलावा वेबकैम HD वेबकैम है इसके अंदर। नैरो बॉर्डर है जो हमने बताया, HDMI पोर्ट है, SD कार्ड रीडर है और स्पिल रेजिस्टेंट इसका जो है वो कीबोर्ड है। ये सारे के सारे फीचर्स हैं। बाकी फर्दर हम आपको अंदर से इसकी स्पेसिफिकेशन भी अगर आपको बताते चलें तो वो ज़्यादा आसानी से आपको फर्दर डिटेल भी हम बताते हैं। कैमरा वगैरह भी आपने देख लिया, बॉर्डर इसके जो है नैरो बॉर्डर है। अच्छा, ये मशीन जो है इसमें दो ऑप्शन है, आप इसके अंदर M2 SATA भी लगा सकते हैं और नॉर्मल हार्ड ड्राइव भी लगा सकते हैं। तो अभी जो मशीन आपके सामने अवेलेबल है ये बेसिकली जो है वो नॉर्मल हार्ड ड्राइव के साथ है, लेकिन हम आपको दोनों के प्राइस बता देंगे। तो आइए आप सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन देखते हैं। स्पेसिफिकेशन आप देखें तो डेल इंस्पायरॉन 3501 इसका मॉडल नंबर है, इंटेल कोर i3 1005G1 इंटेल कोर i3 10th जनरेशन का प्रोसेसर है और उसके अलावा 8GB रैम है इसके अंदर LPDDR4 टेक्नोलॉजी की और उसके अलावा इंटेल HD ग्राफिक है, 128MB की बेसिक ग्राफिक कार्ड है और साथ साथ रेजोल्यूशन इसकी 1366x7868 इसकी 16Hz की रेजोल्यूशन है। हार्ड ड्राइव इसके अंदर 1TB नॉर्मल हार्ड ड्राइव लगी हुई। अच्छा, जो हम अभी इस मशीन के अंदर जो स्पेसिफिकेशन है वो विद 8GB रैम और 1TB नॉर्मल हार्ड ड्राइव के साथ है। तो इसके अंदर हम प्राइस आपको बताएंगे। अच्छा, इसमें दो हार्ड ड्राइव का ऑप्शन है तो आप इसमें M2 भी लगा सकते हैं और प्लस 1TB भी लगा सकते हैं। अभी 8GB रैम और 1TB नॉर्मल हार्ड ड्राइव के साथ ये मशीन है, 256M2 के साथ। इसके मजीद प्राइस होंगे वो एंड में मैं आपको दोनों के प्राइस बता दूंगा। अब हम इसका वेट और आपको इसकी विथ के बारे में बता देते हैं कि इसका वजन कितना है और इसके अलावा इसकी जो है विथ कितनी है, डायमेंशन वगैरह के हवाले से, ताकि आपको पता चल सके। वेट मशीन एज यूजल रेडी है हमारे पास, 1870 ग्राम इसका जो है वेट है इसका, 1.9 kg आप समझ सकते हैं ऑलमोस्ट इसका वेट है क्योंकि 15.6 इंच नंपैड वाली मशीन है, i3 10th जनरेशन। और उसके अलावा अगर विथ की देखा जाए तो बॉटम की साइड से 0.75 इंचीज़ है और ऊपर की तरफ से 0.76 इंचीज़ है, ऑलमोस्ट 0.76 इंचीज़ इसकी विथ है। तो ये विथ भी हो गया। प्राइस के हवाले से अभी जो इसकी जो कंडीशन है 8GB रैम और 1TB के साथ, ये मशीन आपको पड़ेगी 60,000 रुपीज़ में। जी हाँ, i3 10th जनरेशन की मशीन 15.6 इंच नंपैड वाली मशीन 60,000 में। और अगर आप इस मशीन के अंदर जो है वो 256GB SSD भी ऐड करवाना चाहते हैं, जैसे 8GB रैम और 256M2 और प्लस 1TB हो, तो उसके साथ आपको मशीन पड़ेगी 65,000 रुपीज़ में मार्केट के अंदर। जो ये वो प्राइस है जो मार्केट में आपको मिल जाएगी और हमारे पास भी ये मशीन मिल जाएगी। तो आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विच इज़ नेक्स्ट जेन टेक ऑन यूट्यूब, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास फ्यूचर नोटिफिकेशन आती रहे, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और फेसबुक के ऊपर जो पेज है वो नेक्स्ट जेन टेक के नाम से, इंस्टाग्राम के ऊपर जो हमारा जो पेज है वो nextgen_tech के नाम से है। तो आई होप सो आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।